श्री राम समर्थ फरवरी पास आर्तता से नामस्मरण। हम जब सुस्थिति में होते हैं तब नामस्मरण अधिक होता है। जब उसमें कुछ बाधा आ जाती है तो हमारा सारा ध्यान बाधा की ओर ही जाता है। इसका कारण है कि हम नामस्मरण ऊपरी तौर पर करते हैं। श्रद्धा से नामस्मरण करना हमें कठिन लगता है। नामस्मरण करते समय परमात्मा के सिवाय इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, ऐसी श्रद्धा या दृढ़ निश्चय हमारे मन में होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति होगी तो प्रकृति में कोई विघ्न आने पर भी नामस्मरण अखंड रहेगा। जब द्रौपदी को यह भान हुआ कि सिवाय भगवान के कोई त्राता नहीं है, तब उसने भगवान को रक्षा के लिए आर्त भाव से पुकारा। तब भगवान उसकी रक्षा के लिए शीघ्र दौड़ आए। इस प्रकार हमारा नामस्मरण भी सच्ची लगन से होना चाहिए। जैसे बालक हर हालत में अपनी माँ को ही पुकारता है, माँ के सिवाय और किसी को वह जानता नहीं, वैसे ही हमारा भाव नामस्मरण के बारे में होना चाहिए। हमारा सच्चा आधार कौन है, यह तो संकट समय पर ही सही सही ज्ञात होता है। नामस्मरण करने की सीढ़ियां यों कही जा सकती है। पहली, सुस्थिति में ऊपरी तौर पर किया हुआ नामस्मरण। दूसरी, सिवाय परमात्मा के अपने जीवन में कोई त्राता नहीं है, यह जानकर संकट समय पर किया हुआ नामस्मरण। और तीसरी, यही भान दृढ़ होकर भविष्य में अखंड किया जाने वाला नामस्मरण। इन तीनों में से ऊपरी तौर पर या दिखावटी नामस्मरण करने वाला कहता है, हमारे जीवन में संकट नहीं आने चाहिए। साधु संत तो कहते हैं, हे भगवान, हमारे जीवन में संकट आने दो, क्योंकि तभी हमें आपका सच्चा स्मरण होगा। हमें अपने अस्तित्व का भान जितनी दृढ़ता से होता है, उतना ही भान भगवान के अस्तित्व के बारे में होना चाहिए। भगवान सर्वत्र है, यह भावना हमारे मन में कभी जरूर जागृत होती है, किंतु वह भावना दृढ़ स्थायी न होने के कारण तदनुसार हमारा आचरण नहीं होता। यदि हमारी भगवान के अस्तित्व की भावना वृत्ति दृढ़ हो गई तो तदनुसार हमारा आचरण होगा। यदि भगवान ही सभी बातों का कर्ता धरता है, यह भावना दृढ़ होगी तो हम हर बात उसे नहीं कहते रहेंगे। भगवान को सब कुछ समझता है, ऐसी भावना असल में दृढ़ हो गई तो हमारा आचरण भगवान को पसंद आने के ढंग से ही होगा। तड़के उठकर भगवान की मूर्ति चक्षु के सामने लानी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए, जहां और जब तेरा विस्मरण होता है वहां मुझे जागृत करो। तेरे सिवाय मेरा न कोई आधार है न कोई त्राता, यो कहो और प्रणाम करो। आदमी किसी भी प्रकार का क्यों न हो, नामस्मरण से उसे अवश्य संतोष होगा। जो भगवान का हो जाता है वह जीने से या जीवन से कभी उकताता नहीं। विषय सुख का आनंद शराब पीने पर जो आनंद होता है वैसा ही होता है। नशा उतरने पर शराबी अधिक दुखी होता है। मैं भगवान का ही हूँ भावना से जो जीवन व्यतीत करेगा, वही जीवन का सच्चा आनंद अनुभव कर पाएगा, जीवन में सच्चा सुख भोग सकेगा। आज का मुख्य विचार, भोग और दुख में समय बर्बाद न करते हुए भगवान की ओर ध्यान देना चाहिए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Thank you.
Mm-hmm.